पैसे आने चाहिए अकाउंट में, समझ गए। राम राम भाई सभी को। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ एलपी गोल्डा यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा कि एक यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, वो भी सही प्रोसेस है, क्योंकि गाइस यूट्यूब चैनल अगर आपका सही बना हुआ है तो अगर अपन उस पर रेगुलरली वीडियो अपलोड करते हैं तो अपन वायरल है एक ना एक दिन ज़रूर होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि एक सही ढंग से यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, वो भी किसके द्वारा अपन बनाएंगे, मोबाइल फ़ोन से, क्योंकि लैपटॉप या कंप्यूटर जो होता है वो सबके पास में अवेलेबल नहीं होता है, और जो स्मार्टफोन है वो आज के टाइम पर सबके पास अवेलेबल है। वीडियो भी आप कभी भी किसी भी टाइम बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे उसमें वीडियो में क्या क्या आपको एडिटिंग करना है, कैसे आपको यूट्यूब चैनल में सेटिंग करनी है, क्या क्या और आगे के प्रोसेस है, वो अपन आगे के कंटिन्यूसली वीडियोज में है वो डिस्कशन करते रहेंगे। तो ये यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, ये होता है हर एक यूट्यूबर की फर्स्ट स्टेप। यूट्यूब चैनल बनने के बाद में वीडियो कैसे एडिट करें, वीडियो कैसे अपलोड करें, टाइटल डेट डिस्क्रिप्शन वगैरह 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 और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो आपको आगे के वीडियोज में कंटिन्यूसली मिल जाएगा, वो आप देख सकेंगे बाद में। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि समय बहुत कीमती है मेरे भाई, तो ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, सीधे अपन चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। और ये जो प्रोसेस है अगर आपके पास में लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आना है और यहाँ पे आपको यूट्यूब एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। यूट्यूब एप्लीकेशन को जैसे अपन ओपन कर लेते हैं, ओपन होने के बाद में यहाँ पे देखो नीचे नीचे लेफ्ट साइड में, नीचे नीचे आपके राइट साइड में यू का ऑप्शन आ रहा है, इस यू पे आपको क्लिक करना है। यू पे क्लिक करने के बाद में तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, स्विच अकाउंट जो है, स्विच अकाउंट यहाँ पे देखो इस पर आपको क्लिक करना है। स्विच अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आपके पास में ओपन होगा। अगर आपको नया चैनल बनाना है तो ऊपर ही ऊपर प्लस का आइकन है, प्लस वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आएगा, अगर आपकी मेल आईडी बनी हुई है तो आप पहले से ईमेल आईडी लगा के इसमें आगे नेक्स्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं बनी हुई है तो अपन नया मेल आईडी बनाएंगे और उसके लिए आपको क्रिएट अकाउंट, ये देखो नीचे यहाँ पर आ रहा है क्रिएट अकाउंट, इस क्रिएट अकाउंट पर अपने को क्लिक करना है। फिर ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट होगा। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन आपके मांग रहा है, फॉर माय पर्सनल यूज या फॉर माय बिजनेस, तो आपको पर्सनल यूज पे क्लिक करना है। पर्सनल यूज पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम जैसे मैंने अपना डाल दिया है। फिर उसके बाद में ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं आप, नहीं भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अगर नहीं भी डाले तो भी चलेगा इसमें। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे अपन क्लिक कर देते हैं, ये आपके यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करनी है, आपको आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करनी है, जन्मतिथि, डे, मंथ, ईयर, जो भी आपकी एक्चुअल है वो आपको एंटर, डे मंथ ईयर डालने के बाद में यहाँ पे आप जेंडर मांगा जा रहा है, मेल फीमेल, तो जो भी आपको मेल फीमेल जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे मेल एंटर करूँगा, अगर लेडीज है तो वो यहाँ पे फीमेल एंटर करेगी, तो मेल पे मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक मेल आईडी का अपने को एड्रेस लगाना है, अगर वो अवेलेबल हुई तो वो है, अदरवाइज यहाँ पे चेक होगा, तो जैसे मैंने डाल दिया है सुरेश गोल्डा 1234। फिर अपन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अवेलेबल है तो आगे ये प्रोसेस हो जाएगा, नहीं तो रेड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो दिस यूजर नेम पहले से लिया हुआ है, तो अभी यहाँ पे आईकॉन लगा दिया, ये नहीं है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा देता हूँ, पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, जैसे कोई भी पहला कैपिटल हो गया, फिर आगे स्मॉल लेटर हो गए, ऐसे फिर एट द रेट वगैरह, ये सब इसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए ताकि कोई भी आइडिया नहीं लगा सके और अपना अकाउंट है वो हैक होने से बच जाए, स्ट्रॉन्गली पासवर्ड आपको रखना है। पासवर्ड को मैंने हाइड कर दिया है। पासवर्ड लगाने के बाद में अपने को वापस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे अपन क्लिक करेंगे आगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जैसे देखो ऊपर ऊपर सुरेश कुमार, वो आपकी जो भी आप नाम डालेंगे वो आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नीचे नीचे आपको स्क्रॉल करना है और आई एग्री पे क्लिक करना है, ये देखो आई एग्री जो लिखा हुआ है, आई एग्री पे अपने को क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो अपना जो जीमेल अकाउंट है वो बन जाएगा, और जीमेल अकाउंट बनते ही अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपन वापस आ जाते हैं यूट्यूब एप्लीकेशन पर। अब आपको वापस यहाँ पर जो यू लिखा हुआ रहा था
वहाँ पे आपको वापस क्लिक करना है। देखो राइट साइड में नीचे नीचे कॉर्नर पे वापस उसी जगह अपने को क्लिक करना है। तो जैसे अपन क्लिक करेंगे, अब देखो वो जो लॉगिन किया हुआ था वो हट गया। अब दूसरा यहाँ पे जो नई मेल आईडी से लॉगिन हो गया है, सुरेश कुमार नाम आ गया है। अब आपने को अभी भी अकाउंट बना नहीं है, यूट्यूब अकाउंट है वो नहीं बना है। तो यूट्यूब अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना है देखना। अभी यहाँ पे सुरेश कुमार के पास में देखो क्रिएट ए चैनल लिखा हुआ आ रहा है, तो इस क्रिएट ए चैनल पे अपने को क्लिक करना है। क्रिएट ए चैनल पे अपन क्लिक करते हैं तो अपना कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो ओपन होने वाला है। अभी देखिए आप, तो ये आ गया। यहाँ पे आप में पिक्चर, नेम, हैंडल ये सब मांग रहा है। तो ये जो नेम है पिक्चर में, तो अपन जैसे अपन क्लिक करेंगे तो अपना चैनल है उसकी क्या डीपी है वो सेट हो जाएगी। नेम में अपने को आपको जो भी चैनल बनाना है, चैनल का नाम आपने सोच रखा है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। ध्यान रखना चैनल का नाम है वो यूनिक नेम होना चाहिए। जैसे आप सर्च करके देख लेना उस नाम से पहले कोई चैनल है या फिर नहीं है। तो वहाँ पर अपन ने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में जैसे सुरेश कुमार आए हैं तो मैं इसको हटा देता हूँ, या फिर आगे अपन इसमें मैं लिख देता हूँ सुरेश कुमार टेक वाला, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, फिर ये देखो नाम आ गया है यहाँ पे सुरेश कुमार टेक वाला आ गया, दिख रहा आपको। आप पिक्चर पे क्लिक कर देते हैं और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद में इसके जो चैनल है उसकी डीपी प्रोफाइल वो अपन सेट कर लेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, आपके जो मोबाइल फ़ोन है मोबाइल फ़ोन का पिक्चर गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। मैंने एक फ़ोटो ये सेलेक्ट कर ली, इसको आप आगे पीछे करके सेट कर सकते हैं राउंड में। फिर यहाँ पे नीचे नीचे सेव एज प्रोफाइल पिक्चर पे आपको क्लिक करना है। जैसे सेव एज प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे, अपनी जो पिक्चर है वो देखो वहाँ पे ऊपर है वो सेव हो गई है। सेव होने के बाद में नीचे क्रिएट चैनल पे आपको क्लिक करना है। जैसे अपन क्रिएट चैनल पे क्लिक करेंगे ये अपना चैनल है ये बन जाता है। अब देखो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, अभी सुरेश कुमार जो आ रहा था उसकी जगह भी, जैसे यहाँ पे नीचे नीचे आप वापस देखेंगे यू की जगह, तो यहाँ पे देखो डीपी आ गई है। अपन ने जो अभी अभी सेट की थी वो प्रोफाइल पिक्चर आ गई है, प्रोफाइल पिक्चर आ गई है। इस पर अपन जैसे अभी मैं वापस क्लिक करता हूँ, वापस क्लिक करता हूँ, देखो वापस क्लिक करने के बाद में ये देखो चैनल का नाम आ गया सुरेश कुमार टेक वाला। इस प्रकार से अपना ये नया चैनल है वो अपन बना सकते हैं। तो गाइस फाइनली अपन ने सीख लिया है कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, और यूट्यूब चैनल अपन ने बना भी लिया है। तो अगर अब अपन ने यूट्यूब चैनल बना लिया है तो अपन वीडियो भी अपलोड करना स्टार्ट करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वो भी करेंगे। उस इंपॉर्टेंट सेटिंग्स का वीडियो है मैं अलग से बना दूंगा, वो भी आप देख सकेंगे। और उसके बाद में कैसे कैसे वीडियो अपलोड करना है वो भी मैं वीडियो कंटिन्यूसली लाता रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा वो आपको ज़रूर बताना है, और बने रहिए, अपन एक साथ में ग्रो करेंगे। 0 to Hero, पैसे आने चाहिए अकाउंट में, समझ गए। चलो।